आज आंध्र प्रदेश में एनडीए की बड़ी सभा होने वाली है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पीएम मोदी एक सभा में शामिल होंगे, जिसमें टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये एनडीए और पीएम मोदी की पहली सभा है। हालांकि इस सभा में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना गठबंधन अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे। चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने हाल ही में एनडीए के खेमे में वापसी की है 5 साल के बाद, और आंध्र प्रदेश में एनडीए मजबूत हुआ है, माना यह भी जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। वाईएसआर कांग्रेस जो पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुई थी, इस बार उसके कमजोर पड़ने की आशंका है, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ आने से एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत हुई है। पवन कल्याण की जनसेना भी एनडीए का हिस्सा है, और देखना है कि आज की इस रैली में क्या संकेत मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में एनडीए की जनसभा में हिस्सा लेंगे। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो बीजेपी यहां 6 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है, टीडीपी 17 सीटों पर और जनसेना पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है। 25 सीटों पर लोकसभा सीटों का यह समीकरण। वहीं विधानसभा की अगर बात की जाए, तो विधानसभा में बड़ा हिस्सा टीडीपी के खास पास जा रहा है, 144 सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा में 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, जबकि जनसेना पार्टी, जो कि अपेक्षाकृत नई और छोटी पार्टी है, वो भी 21 सीटों पर लड़ेगी। तो एनडीए का खेमा मजबूत हुआ है आंध्र प्रदेश में, और चुनाव के ऐलान के बाद पहली रैली यहां होने जा रही है एनडीए की। दक्षिण के द्वार से 400 पार का मंत्र बीजेपी देना चाहेगी। प्रधानमंत्री आज पालनाडु में रैली करेंगे, 18 मार्च को जगतियाल में सभा करेंगे, वहीं 19 मार्च को पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाई जाए। दक्षिण परिवार की अगर बात की जाए, तमिलनाडु में अन्नामलाई के नेतृत्व में काफी मेहनत कर रही है बीजेपी, आर शरद कुमार भी उसके साथ हैं। आंध्र प्रदेश में 2 सहयोगी, तेलुगुदेशम पार्टी और जनसेना पवन कल्याण की जुड़ी है। तो मोदी का दक्षिण परिवार अगर बात करें तो मजबूत हुआ है। येदियुरप्पा कर्नाटक में अभी भी काफी मजबूत है, और माना यह जा रहा है कि उनके आशीर्वाद से ही कर्नाटक में बीजेपी आगे बढ़ रही है। वहीं जेडीएस एक बार फिर से एनडीए के खेमे में लौटी है। तेलंगाना की बात की जाए तो बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी की जोड़ी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। केरल में राजीव चंद्रशेखर, अनिल एंटनी और वी मुरलीधरन की तिकड़ी है, जो कि पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां कुल 25 सीटें हैं, और जो ओपिनियन पोल है जी न्यूज और मेट्राइस का, उसके मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस को 12 जबकि एनडीए को 13 सीटें यहां मिल सकती हैं। यानी एनडीए की स्थिति पिछली बार के मुकाबले यहां काफी बेहतर होगी। जब से तेलुगुदेशम पार्टी और बीजेपी की राहें जुदा हुई थी, दोनों को ही काफी नुकसान उठाना पड़ा था। जी न्यूज़।